गया इन लोग सब लोग। औकात से ज्यादा जाना नहीं मादर चोत, क्या तमाशा बनाया क्या इधर आके? मादर चोत कभी से समझा रहा हूं एक ही बात, सॉरी यार मगर मेरे को ना बर्दाश्त नहीं हो रहा है भैया। मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता आप लोग ये दिखाए गए या नहीं, पर जो सच है वो सच है। मां चुदन गया सब कुछ, अगर ऐसे लोग आएंगे ना तो मैं उनकी गांड मार दूंगा। कोई भी रहने दो, औकात में रह के बात करना अभी। बता भी मत और सिखा भी मत, मुझे एक बात सीधी सिंपल बता, तू प्यार किससे करता है, स्मिता से करता है या नेहल से करता है? ऑब्वियसली सर, नेहल से। साले जिसको तूने जिंदगी भर बेटी बोला, वो बेटी के साथ सोने का तेरे को शर्म नहीं आता है? हाँ सर, मैंने तो पैदा की नहीं है, गिरीश की बेटी है। और क्या है कि कुछ दिनों में हम दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीजें हुई जो हमको फील हुई, और धीरे धीरे हम दोनों को रियलाइज हुआ कि वी लव इच अदर। स्मिता का क्या? हाँ स्मिता का क्या, स्मिता से भी शादी किया था ना तूने? हाँ जिसको तूने गोद में खिलाया उसी के साथ ऐसी गंदा करते समय, सच बोलता हूँ यार पीयूष, मेरा ना इन लोग ने ना ये हाथ बांध के रखा, वो ना कभी साले बाहर मिल जाएगा ना तू मुझे। वैसे तो तू मेरे बारे में जानता है क्या है सर, सबकी अपनी अपनी सोच है। इतनी घटिया सोच, अबे चूतिए, तेरे जैसे लोगों के कारण ना ये ऐसे लड़कियों की दूसरी शादी नहीं हो पाती। एक बार ना उनके ऊपर वो स्कैम लग जाता है ना गंदा, तेरे को मालूम ये समाज जीने देता है उन लोगों को। वो तो अभी बच्ची है, उसको मालूम भी नहीं नादा नहीं वो। अरे तू तो है ना, तूने तो दुनिया देखी है ना, उसको क्या मालूम है प्यार व्यार के बारे में, दुनिया के बारे में क्या मालूम है उसको? तुझे तो मालूम है ना, लोग तुझे तो कुछ नहीं, वो लड़की को कितना बदनामी से गुजरना पड़ेगा मालूम है तेरे को? अब सर मैंने बोला ना अपनी अपनी सोच है, क्या कर सकते हैं। ठीक है तू और बता, आगे बता आगे बता। पर सर सच बोलू ना तो ये सब चीजें होती ही नहीं। कि क्या है कि वो हर बार स्मिता गिरीश 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 करती है। पिछले 18 साल की शादी में उसने जो इम्पोर्टेंस गिरीश को दिया है, वो इम्पोर्टेंस मुझे दिया होता जो उसने 4 साल में गिरीश को दिया, ये सब कुछ नहीं होता सर। हर बात में गिरीश का जिक्र करती है, गिरीश को ये खाना पसंद है, गिरीश को वो खाना पसंद है, गिरीश को ये पसंद है, गिरीश को वो पसंद है, गिरीश को यहाँ घूमना पसंद है, गिरीश को वहां घूमना पसंद है। अरे मर गया वो, सपोर्ट करने आया था मैं। तेरे को एक बात बताओ, अपने जिंदगी में जो इंसान अहमियत रखता है ना, जिससे हम बहुत प्यार करते, बहुत प्यार करते, भले वो ना दुनिया से चला जाता है ना, उससे कभी नहीं भुला सकते, उसकी यादें रह जाती है, समझा? वो इंसान को कभी नहीं भूल सकते। साले तेरे को पता है उसके साथ ना तेरा 25 साल का डिफरेंस है। अरे सर मुझे क्या फर्क पड़ता है। मादर चोत तेरे को प्यार से समझा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है भोसड़ी के? हाँ हाँ कुत्ते के गांड में गया इन लोग सब लोग। औकात से ज्यादा जाना नहीं मादर चोत, क्या तमाशा बनाया क्या इधर आके? मादर चोत कभी से समझा रहा हूं एक ही बात, सॉरी यार मगर मेरे को ना बर्दाश्त नहीं हो रहा है भैया। मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता आप लोग ये दिखाए गए या नहीं, पर जो सच है वो सच है। मां चुदन गया सब कुछ, अगर ऐसे लोग आएंगे ना तो मैं उनकी गांड मार दूंगा। कोई भी रहने दो, औकात में रह के बात करना अभी। मुंह में कुछ लिया क्या? हे तो गुंगा क्यों बना है? अब बोल। अब सर क्या बोलूं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था।
अबे चूतिए चल, मैं तेरी हर बात एग्री भी कर लो, मगर मेरे को एक बात बता, उसके बेटी के साथ चक्कर चलाने का लाइसेंस किसने दिया रे तेरे को? अरे हाँ सर, प्यार करना इतना गलत हो जाएगा वो तो पता नहीं था सर। अभी तू ना फिर से ना वो बाद में वाला भाव बाहर निकलने का सोच रहा है, फिर उंगली कर रहा है मेरे को। हाँ उंगली नहीं कर रहा हूँ सर, बता रहा हूँ। अभी ऐसा करते सुन, वो दोनों को भी ना मैं यहाँ बुला लेता हूँ। हाँ फिर ना तीनों बैठ के ना मैं अभी समझना चाहता हूँ तीनों को, समझा क्या? जैसा आप ठीक। और जरा भी खोटा एक्टिंग नया, हाँ वो भेजो दोनों को। बेटी स्मिता जी, आप कह रही थी कि आप पीयूष के बिना नहीं रह सकती। जी भाव। लेकिन इसका बोलना क्या है मालूम है? ये 18 साल मेरे साथ रहने के बावजूद भी गिरीश को ये अच्छा लगता है, गिरीश को वो अच्छा लगता है, गिरीश ये पसंद करता है, गिरीश वो था, गिरीश वो था, यही कर रही थी। आप उसका उसका उसके बारे में नहीं सोच रही थी? हाउ, मैंने किसी को खोया है? अगर मैं उसकी बात नहीं करूंगी तो इनने अपनी माँ को भी खोया है। ये भी तो सारा दिन अपनी माँ की बातें करते हैं।